पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला। जय नंदलाला जय गोपाला। जय नंदलाला जय। जय नंदलाला जय। जय नंदलाला जय। जय नंदलाला जय। मोर मुकुट सिर गल वन माला केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल वन माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन के कुंज गलिन में। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाचन चाहे। सबको नाचन चाहे। ओ सबको नाचन चाहे। वो सबको नाचन चाहे। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जमुना किनारे धेनु चरावे माधन मदन मुरारे। जमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जभी बजावे अरले सुधव धसारी। मधुर मुरलिया जभी बजावे हरले सुधव धसारी। ओ हरले सुधव धसारी। ओ हरले सुधव धसारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधा शक्ते बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे। वो श्यामल दर्शन पावे। वो श्यामल दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे काना भागे आए। आराधन कर राधे राधे काना भागे आए। वो काना भागे आए। वो काना भागे आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहते मेरा सूर श्याम लुभाया। गिरधर नागर कहती मेरा सूर को श्याम लुभाया। सूर को श्याम लुभाया। सूर को श्याम लुभाया। तुकाराम और नाम देव ने विट्ठल विट्ठल गाया। तुकाराम और नाम देव
विठ्ठल गाया, ओ विठ्ठल विठ्ठल गाया, श्री राधे गोविंद मन बजले हरि का प्यारा माना मैं, श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज के, जय। परीक्षित जी महाराज के, जय। सद्गुरुनाथ महाराज के, जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंद, हरि का प्यारा नाम है, जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय। सुखदेव जी परीक्षित को यही भागवत कथा ही कहीं किंता पूर्वर घटना चल छ बता जमते बैकग्राउंड रे अनेक कुंज वन अछि ना निधि वन बहुत प्रसिद्ध गोवर्धन पाखरे जो गुल्म अछि सेठी ही उद्धव जी लता गुल्म हिसाब रहते एवं भजन करिवारो आह्वान करिवारो से प्रकट है गले श्रीयम में आओ हो या हे अग्निदेव मु आपन को अनुरोध करछि कि आपन लक्ष्मी देव को आह्वान कर खाली मु लक्ष्मी पूजा रे बुझौतल रात्रि श्रीयम में आवया एने जतले आह्वान करेले उद्धव को सेतले उद्धव प्रकट हेले जतले उद्धव प्रकट हेले से कले परीक्षित तुमे बहुत भाग्यवान भगवान कृष्ण ही तुमको रक्षा करिसन एन तमरो जो भक्ति अछि कृष्ण को प्रति भगवान को प्रति माता रानी मानन करो रानी माने जे तुम मानन करो माता हवे माता माता मोह आउ एमरो बज्रनाभ प्रति जो तुमरो स्नेह अछि काई कि न होबो धन्य तापरे तुमे ये जो व्यवस्था करे छ बजरनाथ पाई मथुरा जी स्थापन से मते बहुत सुंदर बजरनाथ मते भगवान कर ही भक्त मतलब भगवान कर के अननाथ ही कैस करियो तंगर डाहण गोड़ रे भगवान कर डाहण गोड़ रे आर स्थान अछि ये जानी परना भगवान कृष्ण कर तो शरीर त्याग ही जाइछि स्वधाम पळे गेलेने बर्तन प्रश्न हो सही भगवानंकर अनुभव करिया पई उपाय कोन अछि भगवान को प्राप्त करिया पई सहज साधना जेमते सुत महाराज को सौनक प्रश्न पचारथिले आज हम लास्ट रे एई छ प्रश्न देखिबा एवं उत्तर मध्ये देखिबा भगवान को पाप प्राप्त करिवार उपाय होचे भागवत 12 नंबर श्लोक 3 अध्याय महात्म्य रो
श्रीमद्भागवतम शास्त्रम यत्र भागवते यदा देखो श्लोक रे दीदीटा भागवत भागवत यता माने भागवत प्रथम भागवत माने ग्रंथ श्रीमद भागवत शास्त्रम भागवत शास्त्र ग्रंथ यत्र भागवतर यदा भगवान कृष्ण को भागवत भगवान कृष्ण को जे चाहूचंद नहीं भगवान भागवत माने सेकंड वाला भागवत ना भक्त यदा यदा माने जो उठारे सेकंड हो जे भागवत भक्त भक्त जो उठी भागवत शास्त्र कीर्त्यते श्रूयते कीर्तन करते श्रवण करते कीर्तन करते वक्ता प्रधान श्रवण करते श्रोता प्रधान कीर्त्यते श्रूयते चापि कृष्ण तत्र निश्चितम कृष्ण निश्चय ही पड़ा सब प्रथम अध्याय में देखते भगवान कृष्ण आविराशित प्रकट हो गले नृत्य कले भक्ति सहित भक्ति मध्य प्रकट हो गले उद्धव कहते मो गुरुदेव शुणी एटा पूर्व काल रे मो गुरुदेव हूँ बृहस्पति देवतांकर गुरु से सी शुणी सांख्यायन सांख्या जन श्रेष्ठ ऋषि भगवान विभूति अंश मु विभू माने गुरु शुणी की तपस्या करिवारु कृष्ण सखाई पार बृहस्पति थर कही देखते वेदांत अनुसार निर्गुण निराकार ब्रह्म ही परमात्मा स्पष्ट क्लियर से निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा ही सत्वगुण धारण कले विष्णु हुंती रजगुण धारण कले ब्रह्मा हुंती एवं तमोगुण धारण करके जे संहार करती रुद्र हुंती जो वेदांत रे ब्रह्म कुआ जायछि सेई ब्रह्म को एटे श्री कृष्ण कुआ गला ईक्षण चक्रे यदा कृष्णः 21 नंबर ईक्षण चक्रे यदा कृष्णः माया पुरुष रूपद्रक ब्रह्मा विष्णु शिवः चापि रजस सत्व तमो गुणैः क्लियर एते सुंदर 21 नंबर वर्णन अछि देखो ईक्षण चक्रे भगवान जेतबले सृष्टि करिवा पई संकल्प कले ईक्षाम चक्रे ईक्षाम संकल्प चाहिले विचार कले ईक्षाम चक्रे संकल्प कले किए परमात्मा वेदांतर मध्य अछि निर्गुण निराकार परम ब्रह्म तांकर न इहा अस्ति इहा माने इच्छा किंतु जतले प्रकृति को से धारण कर दउछने माया माया पुरुष रूप द्रक माया पुरुष जितने से माया पुरुष रूप धारण कर माया पुरुष ब्रह्म प्लस माया इज ईश्वर धारण कर सीए ही ब्रह्म हूँ रज विष्णु हूँ सत्व शिव हूँ तम क्लियरली लिखा बहुत लोग ना विष्णु को रज कहते ब्रह्मा को सत्व कहते ना एटे माने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को गुण मध्य क्रम चेंज कर दे जान बुझे क्रम चेंज है तभी जा हम नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश शिव सत्व रज तम ही जाता ना रज सत्व तम गुण ही जोटे वेदांत ब्रह्म कहगला से भगवान श्री कृष्ण से जेतवळे सृष्टि करैले माने से इच्छा करैले से निजो को निजे रोल है जेतवळे रोल हैले माने द रिफ्लेक्शन बिंब से तो कथावार्ता हो जाए फर्स्ट ब्रह्मा भगवान ब्रह्म को बा परमात्मा को निर्गुण निराकार को जोठी एटी पुराण रे कृष्ण को हवाला मत त्रिलोक की प्रश्न पचार मझे लिखिक
विष्णु पुराण रे विष्णु ब्रह्म पुराण रे ब्रह्मा माने गणेश पुराण रे गणेश यही यही होची पुराण रो विशेषता अपूर्वता वैशिष्ट वेदव्यास या क्वेश्चन अर्थात निजर इष्ट निष्ठा पाई जिए गणेशंक प्रति कारण पंचदेवता विष्णु शिव सूर्य गणेश आउ शाक्त देवी ये होचे पंचदेवता उपचार पूजा तनो सी ही जतवले कौन करंते पूजा करंते तनो ब्रह्मा कौन कले भगवानं को स्तुति कले कले प्रभु मोर काम हो सृष्टि कर रजगुण निजे कहते रजगुण कह मोर काम हो सृष्टि कर रजगुण एणु मत उपदेश दिंत कि मुमती आपण को प्रति जो भावना जो स्तुति जो स्मृति ज्ञान रखिपर दे बृहस्पति कहते तेब जा भगवान भागवत करने कह तेना भागवत सप्ताह कराई कि सप्त आवरण थिला ता भंग कर सप्ताह विधि सात दिन धरिकी भागवत करिवारु ब्रह्मांकर हेला तापर भगवान विष्णु मध्य प्रार्थना भगवान विष्णु प्रार्थना कले कौन प्रार्थना कले कि प्रभु आपण जिमिति आज्ञा दौंते मु स्थिति करुची वेदर दि प्रकार मार्ग हला गोटे हूँ प्रवृत्ति लक्षण आगर हूँ निवृत्ति लक्षण प्रवृत्ति लक्षण ज्ञान एवं निवृत्ति लक्षण हूँ प्रवृत्ति लक्षण कर्म निवृत्ति लक्षण हूँ ज्ञान तेणु ये जो प्रवृत्ति एवं निवृत्ति लक्षण हला प्रभु मु प्रजा मान को ए अनुसार नहीं पालन करेबी जेतले प्रभु धर्म रो क्षय हि जीव सेतले मु अवतार नेबी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत जो मान को मुक्ति इच्छा अछि से मान को मुक्ति दे देबी देखो पॉइंट देखो भगवान विष्णु ने जे ब्रह्म माने कृष्ण को सेले पत्थर दउ छै जो मान को भोगर इच्छा अछि तांकु मु यज्ञ आदि कर्म करे कि कर्मर फल भी दे देवी आउ जे माने मुक्ति इच्छा अछि मुक्ति भी दे देवी छ प्रकार मुक्ति हला पांच प्रकार मुक्ति होचि द्वैत एवं कैवल्य मुक्ति होचि अद्वैत सारूप्य सालोक्य सामिप्य सायुज्य श्रास्त्री ए पांचटा मुक्ति मु दे देवी तापर ना तापर सारूप्य माने रूप भगवान कर विष्णु कर रूप सालोक्य सेई लोक रे सामिप्य भगवान को सहित सायुज्य भगवान को सहित एकाकार सृष्टि भगवान कर ऐश्वर्य वैभव भलिया प्राप्ति आ मोक्ष होचे सर्वश्रेष्ठ से मोक्ष मध्य मु दे देबी देन कौन हला कैवल्य मुक्ति किंतु प्रभु एमिति गोटे कैटेगरी लोक मिले जो माने भक्ति ही चाहते जो माने किछी भी नहीं चाहते ताहले मु केमते करे पारियो आ मोर लक्ष्मी जी मोर आत्मशक्ति सी भी किपर मु रक्षा करी पारिता बोले गोटे काम करो देन भगवान कृष्ण माने परम ब्रह्म परमात्मा सी कहछन देखो तुम्हें भागवत पाठ देन विष्णु कर चित्त प्रसन्न हो गला खुशी हो गले भगवान विष्णु कारण सी भी जानते मुझे गोटे रोल कर असली तो भगवान ब्रह्म परमात्मा सी कृष्ण ये कह
से भागवत पढ़े। जेतले भागवत सी कही चलले भगवान विष्णु लक्ष्मी सुनते मास पर्यंत एक मास पर्यंत ये जो मास हिसाब अलग आम मान हिसाब हिसाब अलग आते लक्ष्मी माँ प्रवचन दिये से दी मास कर दिये माँ जो लक्ष्मी कहते से भागवत कथार आनंद बेसी आसे कारण भगवान विष्णु अधिकार स्थित 37 नंबर जीवा 37 भगवान विष्णु अधिकार स्थित विष्णु लक्ष्मी निश्चिंत मानस देख पॉइंट जदि आप अधिकार स्थित हेकि शुणिले देन आपन को एटा भल हलानी सेटा भल हलानी सेटा हला ए सब प्रॉब्लम आस एणु विष्णु भगवान निजे अधिकार स्थित मान स्थिति पालन करते अधिकार आरूढ़ तेना से नीति नियम कटकण से रहते मनुष्य आपको नीति नियम कटकणा करदे ना बहुत मुश्किल हो स्वतंत्रता रहा दरकार एवं निजे भाराक्रांत रोचे सब बड़े लक्ष्मी किंतु निश्चित मानसा एणु निजक आप देख आप भाराक्रांत होती ना निश्चिंत मानसा जदि आप निश्चिंत मानसा कि शुणवे ना बस लक्ष्मी को भलिया केते सुंदर शब्द 37 रे अंडरलाइन कर अधिकार स्थित विष्णु विष्णु अधिकार स्थित विष्णु अधिकार आरूढ़ किंतु लक्ष्मी निश्चिंत मानसा तेन भागवत स्वाद तस्य पूरी प्रकाशते सेतिपई लक्ष्मी को हृदय जो भागवत बाहर ना सेटा रसस्वादन अधिक मधुर भूरी प्रकाशते रसस्वाद तेना जदि केवल भक्ति भाव कथा हुए कीर्तन करते आनंद लगे आपण मैंने भी अनुभव करते केवे आपण घरे बस शुणु कौन सी आपण भितर किसी दुख ना रातिर झगड़ा सकल सकल झगड़ा पवन हूँ तुम खिड़कीटा कहीं बंद कर बर्षा होगा देख एमती से जानु रूम टाइम महिला कहीं रखी सकाल सकाल झगड़ा कले सी गले आप गले एमती झगड़ा हो गला कहीं से लेट आज कल से छुआ बा एमती कौन बिना कारण आप भागवत पूर्व कले से दिन स्वामी माधवानंद प्रवचन आप लग शुणु कि नहीं मन भितर भावना सात्विक भाव ता पूर्व एकादशी थी रात भोजन मध्य कम सुई पड़ चंदी जल्दी उठी जाइंट ध्यान भी कर मन सात्विक अच्छे शुणुंच आह सुंदर स्वामीजी बहुत बढ़िया तो निश्चिंत मानस है कि जितने शुणवे बहुत आनंद यदि किसी भाराक्रांत है कि शुणवे है तेना भगवान विष्णु और लक्ष्मी कथा चलती बर्तमान रुद्र अवस्था रुद्र मध्य भगवान को कृष्ण को कहले प्रभु नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलय प्राकृतिक प्रलय रे मोर अधिकार अच्छे मोर संहार करने शक्ति अच्छी प्रलय माने मोर डिपार्टमेंट कि आत्यंतिक प्रलय मोक्ष दे पार नहीं कहे तुम भागवत पढ़ देन भगवान शंकर गोटे वर्ष पर्यंत भागवत पारायण कले देखते ये हूँ भागवत महात्म्य स्कंद पुराण अच्छी निश्चय ही भागवत परिमा रहिबो तेना रुद्र विष्णु ब्रह्मा मध्य भागवत पाठ कर तो आम मैंने श्रद्धा रखे आम मान पढ़वा उचित
ଏବେ କାଲି ପରେ ପହରଦିନଠୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କାଲି କେମିତି କଣ କରିବେ ଏ ସମୟଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ବିତେଇବେ। ତାପରେ ଅକ୍ଟୋବର 16ରେ ଆଉ ଥରେ ଭେଟ ହବ। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକ 6 ଦିନ ନେବି ସାଧନା ପଞ୍ଚକମ ତାକୁ ବି 6 ଦିନ 12 ଦିନ ଆଉ 3 ଦିନରେ ନିର୍ବାଣ ଷଟକମ ମନୋବୋଧ୍ୟଙ୍କାର ସେଇଟା। ତାପରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଫେର ଆଉ ଥରେ ନଭେମ୍ବରରେ କରିବା ଏମିତି ଚାଲିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ସେବନ କରିବାରୁ ହିଁ ସଖାଇ ପାରିଲି। ଲୀଳା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ମତେ ପଠେଇଥିଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଭାଗବତ କଥା ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ହିଁ କହିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଅନ୍ତିମରେ ଭଗବାନ ମତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମତେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ବଦ୍ରିକା ଗଲି। ଯଦିଓ ବଦ୍ରିକା ଗଲି କିନ୍ତୁ ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋଟେ ଅଂଶରୁ ମୁଁ ରହିଲି। ଏ ଯେ ନାରଦ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ନାରଦ କୁଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ରହିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବ। ସେଇ ନାରଦ କୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ରହିଲି। ଏଇଠୁ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରକଟ ହେଲି। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଯଦି ଆମେ ସେବନ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱର ଜ୍ୟୋତି ମିଳିବ। ଏଣୁ ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ବଜ୍ରନାଭ ବଜ୍ରନାଭ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ ମଥୁରାରେ। ପରୀକ୍ଷିତ ଆସିଲେ ସ୍ଵାଗତ ହେଲା ସେ ଦୁଃଖ କହିଲେ ସାଣ୍ଡେଲ୍ୟରେ ସବୁ ଡାକିଲେ ସେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ମଥୁରାରୁ ଏ ହସ୍ତିନାପୁରରୁ ଲୋକ ଆସିଲେ ସେଠ ଆସିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ ଅନେକ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଯେମିତି ଅବନ୍ତିକା ନଗରରୁ ଉଜ୍ଜୈନରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ପୁରା ନେଇକି ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରାଇଲେ ସେମିତି ସେମିତି କରେଇଛନ୍ତି। ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ଭାଗବତ କରେଇ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ ଭାଗବତ କଥା କରଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ। ତ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରଣାମ କଲେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଏଠି କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଣ ସହାୟତା କରିବି। କବି ଦେଖ ଯୋଉ ଦିନ ଭଗବାନ ଚାଲିଗଲେ ସେଇଦିନ କଳି ଆସିଗଲା। ଏଇଟା ପୁରା ସେଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ 54 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରେ ଇଏ ପ୍ରମାଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେନ ପରିତ୍ୟକ୍ତେ ଭୂତଳେ ବଲବାନ କଲିହି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତେ ଭୂତଳେ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉଦିନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସେଇଦିନ ବଳବାନ କଳିହି ଭବିଷ୍ୟତେ ପରମ ବିଘ୍ନମ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ସମୁପସ୍ଥିତେ। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ବାଘ୍ନ ଦେବ କଳି। ଗୋଟେ ଯଦି ଭଲ କାମ ହଉଥିବ ବିଘ୍ନ ହବ ନିଶ୍ଚୟ। ଇଏ ହଉଛି କଳିର ନିୟମ ଏଇ ଶୁଭ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଇଏ ବିଘ୍ନ ଘଟେଇବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କର କଳିର ଦିଗ୍ବିଜୟ ପାଇଁ ତୁମେ ବାହାର ଆଉ କଳି ଯୁଗକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଆୟତ୍ତ କର। ଦେଖନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗର 30 ବର୍ଷ ପରେ କଳିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଇକି ଏ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ କଳି ଯୁଗ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲି 15-20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଥା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଷ୍ଣବୀ ରୀତିରେ ବୈଷ୍ଣବୀ ରୀତି ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଉଟା କରାଯାଇଥିଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ମାସଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲେ। ରୁଦ୍ର ତ ପୁରା 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ସପ୍ତାହ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ 1 ମାସ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ 2 ମାସ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ରସ ସ୍ୱାଦନ କରିବି ଏବଂ
चाहिबी कि जो श्रोता भलो भावे सुनिबे जमते गोकर्ण कथा कहुतले दुंदकारी मुक्त हो गले तो आउ सी माने मुक्ति हेलेनि कहले इमती केमती विभेदेन श्रवणेन त सर्वे कृतम समस्ते त श्रवण करिचंदे किंतु विभेद केमते हला से कहले मन न कृत समस्ते श्रवण तो कर मनन बहुत लोग करना आउ थे से कहले भाग गोकर्ण तेब मुक्ति हेले एणु कहले मु गोकुल धाम पठेबी ये गोकर्ण गोकर्ण धुंधुकारी संवाद पूर्व नारद भक्ति जो सनत कुमार नारद हरिद्वार जो घटना भागवत होता है पूर्व घटना यहाँ हूँ कली जुगर जस्ट 15-20 वर्ष भितर परीक्षित कलीर प्रभाव साप है हम ये प्रसंग बर्तमान कौन है शुण परीक्षित कहले कि जाहु मत आप कम दौंट उद्धव बर्तमान भगवान कृष्ण ही उत्सव मूर्ति मन रखता किए जन मत पचारे स्वामीजी नवगुंजर कौन भगवान कृष्ण अवतार नु 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 अवतार नु कौन सी ग्रंथ लिखा है कौट लिखाई आज्ञा सरला लिखाई से मंदिर रे नवगुंजर मंदिर रे रखिया हो आवश्यक से अशुभ नवगुंजर टा हूँ अशुभ आवश्यक ना रखा उचित नु आगे जो भल भल रूप माधुर्य बर्तन देखुना पचपट जो सुंदर मूर्ति अच्छी सुंदर आखि बांके चाहणी जमी लगुव आपण को ही देखु है ना एत सुंदर मूर्ति छाड़ी आप नवगुंजर कहीं चिंता कर कारण इष्ट ध्यान ताकू करा जाए जो आपन को भल लगे एवं आपणकर मन भितर से रहा दरकार इष्टर गुण मध्य आपन को भीतर रिफ्लेक्शन हो नवगुंजर हेले कौन से जो नवगुंजर भिन्न भिन्न से कौन के पशु पक्षी मानकर ही कौन सी गोटे दिव्य विभूति ना पशु पक्षी सुआ थंट हाथी गोड़ घोड़ा ये सब जिनस चिंतन करेंगे तो अशुभ हम अशुभ कोकुआ भय भय होता ये कौटी शास्त्र लिखा है नवग्रह पूजा हुए नवगुंजर गोटे पशुटे गोटे विचित्र पशु न पशुर अलग अलग पशु पक्षी अलग अलग लक्षण मनुष्य अच्छी हाथी तो सी पूजार विधान नु भगवान को सुंदर रूप अच्छी कहीं छाड़ा आम तेणु परीक्षित कहले मत तो मुझे दौरान निश्चय करी आपण ही बर्तमान कृष्ण आम मान उत्सव मूर्ति किंतु कौन किंतु कौन किंतु आमको लगुच कि मत लगुच मुझे वंचित हो ना कौन ना आपण भागवत कथा कह शुपर देखते यहीटा हूँ सुंदर क्लाइमेक्स पॉइंट उद्धव भी जानी थे परीक्षित सुखदेव जी आसवे परीक्षित को अभिशाप हो कहले तुम्हें ही भागवतर श्रेष्ठ अधिकारी 60 नंबर राजन चिंता तुते कापी राजन चिंता तुते कापी न एव कार्य कथंचन कौन सी प्रकार चिंता करंतु नाही तच्चैव भगवत 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 शास्त्रे यतो मुख्याधिकारिता ये शब्द बड़ा सुंदर अधिकारी शब्द बहुत का कहले खराब लगे तुम्हें अधिकारी नु जो मुझे कहीदेवि जी कौन से गोटे का ममता कह कि बर्तमान जदि किए वन डे टक दब ना तो लिंक उचित नुह
गुटी लिंक रहा दरकार ता होची प्रथम राधा लिंक जगन्नाथ टीवी रो लिंक जे कोनसी जदी वन डे टॉक भी हला पिछे हला ओनली गुटी लिंक ताले कोन के प्रवचन रो गोटे सात्विकता रहिबो के आसिनते ये करथवे से करथवे ए उठो ए जल्दी करे तमे काई जो करनो ये सब राजसिक आसी जाउछ धीरे 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 तो सात्विकता रहबा तो ऑर्गेनाइजिंग हवा पे मते गो अधिकारी आवश्यक आपण भीतर सात्विक रहबा दरकार YouTube रे आसीबा पई मेमो निजर ना हवा पई केबे हेले ये होचे राजसिक वर्कशॉप अबे 50 वर्ष पोरे भी जदी के सुनेबो ओनली डायरेक्ट प्रवचन नो की अनाउंसमेंट ऑर्गेनाइजिंग लाइक दैट केवल भगवान कर कथा सात्विक एणो आमे भागवत रो अधिकारी है कि नहीं ना केवल आमे कारण करियो पड़े हम ना है जीवो सेते आमे करूछु भागवत ऑर्गेनाइज प्रवचन करूछु कण हमर ना हो अगे मते लोक कहले हम मान कर ना हवा पे हम करछु ना अपन आपण के हमको सहाय्य करंदु बोले नहीं इन प्रिंसिपल नो हम अपन ना चाहू चा बोले री मु जो प्रवचन रे भी पठे दउ थली व्हाट्सएप रे ता भी ऑब्जेक्शन कहिंगे हम ना होनी ना अपन को पळे जाउ छी मु किंतु कह देखो मु वन समस्त भागवत सुनंदु जो माने सुनी पर नांती पोरे पाइबे एटा होची मोर लक्ष्य भागवत प्रचार सात्विक उद्धव कहउछंती तुमे निश्चय प्यार करथे परीक्षित को धरथे कहते तुमे ही श्रेष्ठ अधिकारी एटा एटा अंडरलाइन तच्चैव भागवत शास्त्रे यथ मुख्य अधिकारी तुमे ही मुख्य अधिकारी एतावत काल पर्यंतम प्राय भागवत श्रुते सांसारिक लोक नाना प्रकार कर्म व्यस्त रहती वार्तामपि न जानती मनुष्य कर्म तत्परा से आज पर्यंत भगवत विषय प्राय जानती नाई भगवान चली गला पर कौन करिवे कौन नहीं किसी बुझी पार नी तुमरी कृपा रो ही भारत वर्ष रे भागवत सुनिबा पई आनंद पाई परिबे भगवान कारण बर्तमान ए जो सुनुचन ना उद्धव जो बर्तमान कहिबे बजर ना से चली गले से आउ प्रचार करना राणी माने तो मुक्त हो जीवे बर्तमान आप देखिबा कहते ए भागवत पाए तुमर पाए प्रसिद्ध हो शुक्र ताल जोठारे भागवत भी हम ये कही ना कि आम निश्चय जाना दरकार से जगटा मध्य प्रसिद्ध हो माने संकल्प मन मन कर 2023 अक्टूबर नवंबर भितरे देखियो पड़ियो भी आपण मन से जो लक्ष्मी पूजा अन्य पूजा गुरुवार पूजा ये सब नथिबो मते बड़ा डिफिकल्ट डेट करिया पे किछ ना किछ तो पूजा रहुछ ना सेतबेला आपण संकल्प करंतो जेमिति परीक्षित सुनी चंदी सेमती स्वामी जी आमे जदी सात दिन परीक्षित भलिया सुनिबु आमे अमर जदी आमकु जदी तक्षक आसी कि ध्वंस कर दबो बहुत बढ़िया नहीं नहीं आम जाई पारू आम पुअर बाहर अच्छी झीर बाहर अच्छी सब किस अच्छी चिंता कर तक्षक आसोनि केमी स्वामीजी आप प्रथम कहले ना तुम जो कहल कि आम जब पूर्ण समर्पण करदेव तक्षक आसब तुम कहल कि नहीं आम झीर बाहर अच्छी आसबनि ओ आम इच्छा अनुसार हाँ आपण के इच्छा अनुसार केमती केमती स्वामीजी आपण भितरे जदि इच्छा टी है से इच्छा टी तीव्रत रही चलला देन देखिए धीरे धीरे शरीर त्याग कर दे आपण जदि कहिबे कि गोटे लेबोरेटरी रे जर्मन कोठा अमेरिकन लेबोरेटरी रे गोटे परीक्षा करिया पई साइंटिस्ट जन को जेल रे आनी के रखले एवं कहिले तुमको तमे साप दंशन रे मरिबो बारंबार एमती कही चले साप दंशन रे मरिबो
ଟିକେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଟେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପିନ୍ଟାକୁ ଏମିତି ଦବାଉଥିଲେ। ମୂଳରୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାପଦଂଶନ ମରିବ, ସାପଦଂଶନ ମରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପିନ୍ଟା ଦବାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ପିନ୍ଟା ଦବାଇଲା ବେଳକୁ ତାର ସାପଟା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଚାଲିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ହେଇଗଲା ମରିଗଲା, କାରଣ ଏମାନେ ପିନ୍ ଦବାଇ ଦବାଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡିସେକ୍ସନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଶରୀରରେ ସାପର ବିଷ ପୁରା ଫେଲ ଯାଇଛି। କେମିତି କେମିତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସାପ ଆସିନି, ଓନ୍ଲି ପିନ୍। ସେ ଭାବନା କଲା, ଭାବନାରୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ନା ଶିରା ଧମିନୀ ଭିତରେ ରକ୍ତ ହିଁ ଜହର ହେଇଗଲା। ସବୁ ଭାବନା ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ, କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଗ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋର ଝିଅ ବାହିନୀ, ମୋର ଏଇ ପୁଅ ବାହିନୀ, ମୋର ଏଇଟା ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସେଇଟା ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ପୁଅ ଏଠି। ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଉଚିତ କି ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷିତ, ସୁଖଦେବ ତମ ପାଇଁ ଆସିବେ। ସୁଖଦେବ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ। ଆହା, 63 ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି, ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ରୂପସ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଭଗବାନ ଋଷି। ଏମିତି କେବେ ଶୁଣିଥିଲେ ଆପଣ? ସୁଖଦେବ ଜୀ କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ରୂପ। ଶବ୍ଦଟା ବଢିଆ, ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ରୂପ। ଆହା, ଯୋଉ ପଛପଟେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ଶୁଣୁଥିବ ଅସ୍ତି ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କହୁଛୁ ମାଧବ ମାଧବ ମାଧବାୟ ବଦତି, ମାଧବ ମାଧବ କେ ଲିଏ କହି ରହା ହେ। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ରୂପସ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଭଗବାନ ଋଷି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ତୁଭ୍ୟମ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ୟତି ଅସଂଶୟମ। ସିଏ ତୁମକୁ କହିଲେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାଗବତ ତମରି କଥା ହିଁ ପ୍ରଚାର ହବ। ତୁମେ ଯାଅ ଆର କଳିଯୁଗକୁ ଜୟ କର। ସୁତମୁନି କହିଲେ, ଏମିତି କହିଲା ପରେ ପରିକ୍ରମା କଲେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କଲେ, ଚାଲିଗଲେ ବାସ। ତାପରେ ହେଇଯିବ କଳିଯୁଗର ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେ, ବଜ୍ରନାଭ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ଥିଲେ ପ୍ରତିବାହୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟ, ତୁ ସମ୍ଭାଳେ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉଠି ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ, ଉଦ୍ଧବ ଯୋଉଠି ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ, କୋଉଠି? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତରେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ପାଖରେ, ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତରେ। ସେଇଠି ଯୋଉ ଉଦ୍ଧବ ଯେ ହିଁ ସବୁ ଜାଗା ବତେଇ ଦେଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ୟାଙ୍କୁ, ନିଧିବନ କି ଏଠାରେ ରାସଲୀଳା ହେଇଥିଲା, ନନ୍ଦଗାଓଁ ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ମାନେ ନନ୍ଦଙ୍କର ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଇକି ସେଠି ଲୀଳା କରିଥିଲେ, ମାନେ ଜନ୍ମ ତ ମଥୁରା ହେଇଥିଲେ, ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାଣାରୁ 5 କିଲୋମିଟର, ମଥୁରାରୁ 50 କିଲୋମିଟର, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହଉଛି ଗିରିରାଜ, ବୃନ୍ଦାବନରୁ 22 କିଲୋମିଟର, ପୋତରାକୁଣ୍ଡ ହଉଛି 10 କିଲୋମିଟର ବୃନ୍ଦାବନ, କଂସକିଳା ହଉଛି ମଥୁରାରେ ଅଛି। କିଛି କିଛି ଜାଗା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ନାଁ ଦେଇଦଉଛି, କୃଷ୍ଣ ଗଙ୍ଗା ଘାଟ ଆଉ ଗୋ ଘାଟ ବୃନ୍ଦାବନର 9 କିଲୋମିଟର, କୋକିଲ ବନ ଶନି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବୃନ୍ଦାବନର 49 କିଲୋମିଟର, କୁସୁମ ସରୋବର, କୁସୁମ ବୋଲି ଜଣେ ରାଧାଙ୍କର ସଖୀ ଥିଲେ, ସେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସରୋବର ଅଛି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ରାଧାକୁଣ୍ଡଙ୍କ ମଝିରେ ଅଛି, ବୃନ୍ଦାବନର 25 କିଲୋମିଟର। ଇଏ ତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଜାଗା ଅଛି, କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଟେମ୍ପଲ ହେଇଯାଇଛି, ବଢା ବଢା ସୁନ୍ଦର ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ଟେମ୍ପଲ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର କୃପାଲୁଙ୍କର, ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ମଥୁରା, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ରାଧାରମଣ ଟେମ୍ପଲ, ଗୋବିନ୍ଦ ଜୀଉ ଟେମ୍ପଲ, କେସି ଘାଟ, ଆଉ ରାଧା ଦାମୋଦର ରଙ୍ଗାଜୀ ଟେମ୍ପଲ, ମଦନ ମୋହନ ମନ୍ଦିର, ଅଷ୍ଟସଖୀ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରିୟକାନ୍ତଜୀଉ ଟେମ୍ପଲ, ମାତା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଛଟିକରା ପାଖରେ ବିବେକ ବିହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବି କରିବି, ସେଇଠି କରିବି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୁମ୍, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ବହୁତ ବଢିଆ। ସେ ପାଖରେ ହିଁ ୱାକିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହଉଛି ମାତା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଧାମ, ସେଠିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି। ବୃନ୍ଦା କୁଞ୍ଜ ଏମିତି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା ନୂଆ 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 ଟେମ୍ପଲ ହେଇଛି, ପୁରୁଣା ଯାକ କିଛି ଜାଗା ବି ଅଛି। ତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନରେ ନାରଦ କୁଣ୍ଡର ପାଖରେ
झूठी छे ये ही तेले सेठ जाय करे कृष्णंकर कथा कही चलले निजे बद्रनाभ अनुभव कले कृष्णंकर डाहाण चरण कमल से रहउछते आ रोहिणी आदि माता मध्य रास रजन रो चिंतन करके भगवान कृष्णंकर चंद्रमार विग्रह निज निजर निज निज को कला एवं प्रभा रूप से रही अनुभव विस्मित हो गले कहीं रास लीला आम अच्छा जो मैंने श्रोतागण थे से माने मध्य भगवान अंतरंग लीला रे परिचित है माने सम्मिलित हो गले एवं व्यवहारिक लीला रु तत्ण अंतर्ध्यान हो गले उद्धव मध्य अंतर्ध्यान हो गले बजरनाम मध्य भगवान सहित मिसी गले प्रतिरू बाहु तांकर जे पुत्र सी बर्तमान शासन कले आउे राणी माने मध्य जी अपेक्षा करते कारण से अपेक्षा करते भागवत कथारु हिं भितर से भावना आस से कृष्ण विरह रे चिंतित थे उद्धव प्रकार भगवान जानी थे कि उद्धव को आसिक रोल कर उपदेश दे ज्ञान हेले जाए कही हब ज्ञान ना कही हब आनंद कले समस्त मग्न हो गए यहीपर भाव भगवान कथा काली हूँ लास्ट कौन टॉपिक हम मैंने देखा ता पूर्व वर्तमान ये जो षड प्रश्न अच्छी ता सुत महाराज महात्म्य पर है महात्म्य पर ये स्कंद पुराण तो पद्म पुराण महात्म्य पर पद्म पुराण छा अध्याय पर सुत महाराज छोटी प्रश्न पचार थे तार ना होची प्रश्नाध्याय से जो प्रश्न थिला प्रथम हैला सहज साधना कौन सहज साधना कौन ये प्रश्न पचार थे तेणु से जे सहज साधना विषय बुझे थे ताहा कौन तत्र तत्रंज सायुष्मन सहज साधना कौन ना देखो प्राय मनुष्य कली जुगरे प्रश्न पचार मंद भाग्य उपद्रता तेणु यही आम जानवाई चाहू सहज साधना विषय आम को बुझात यहाँ हूँ मुझे बुझे दौची भागवत आप मूल प्रथम स्कंद जातु भागवत प्रथम स्कंद मंगलाचरण हो गला एंड तापरे प्रश्न हूँ प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय नौ नंबर श्लोक अच्छी सहज साधना कौन तापरे एगार नंबर श्लोक अच्छी शास्त्र सार एवं उत्तर कौन हम सहज साधना भागवत भक्ति भक्ति ही सहज साधना अनेक साधना अच्छी सब अंतकरण शुद्ध करोची ये हूँ भक्ति सेकेंड प्रश्न हूँ शास्त्र सार कौन एगार नंबर श्लोक नंबर एगार एगार भूरी भूराणी कर्माणी श्रोतव्यानि विभाग सह अनेक शास्त्र अच्छे बहुत शास्त्र अच्छे से भितर शास्त्र सार कौन ना अतः साध्योत्र यत् सारम कौन ना केवल भागवत हूँ शास्त्र सार शास्त्र सार हूँ भगवान को प्रति भक्ति ये हूँ शास्त्र सार भागवत तापरे सतर नंबर श्लोक अच्छी नहीं बार नंबर श्लोक अच्छी भगवान कृष्णंकर कौन जन्म कृष्ण जन्म तीन तीन प्रश्न बार नंबर श्लोक प्रथम अध्याय चलचे प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद बार नंबर श्लोक अच्छी कृष्णंकर जन्म कारण कौन तीन नंबर चार रे कृष्णंकर दिव्य कर्म सतर नंबर अनेक जो तस्य कर्माणि उदाराणि परागीतानि सूरभि तुम दिव्य कर्म अनेक कर्म कर चारिगला पांच हूँ अवतार लीला तो अनेक जो अवतार लीला सी हूँ तेईस नंबर श्लोक अच्छी ब्रूही योगेश्वर नहीं तेईस नंबर न तो अवतार लीला अवतार लीला हूँ अठर नंबर श्लोक अच्छी आख्या ही हरेर धामन अवतार कथा सुना तो अनेक अवतार कथा में सुनता पूरा टोटल भागवत देखले अनेक अवतार भगवान
इवन उद्धव मध्य उत्सव अवतार आउ आम चबीश अवतार अच्छे सब कथा से जानापी शुणापी चाहिए सौनक आदि एंड लास्ट हूँ धर्म का शरण गत 23 नंबर श्लोक ब्रूहि योगश्वर कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठम मधुनो पेत धर्म का शरण गत होती कि धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त भगवान हूँ धर्म रक्षक धर्म को रक्षा करिया करें ब्राह्मण भक्त स्वधाम को चली गला पौरे धर्म कहार शरण गले कृपा करके कह धर्म कहार शरण गले स्वाम काष्ठा मधुना पेते धर्म का शरण गता धर्म कौन उत्तर होचे भागवत अर्णवम धर्म भागवत अर्णवम धर्म भागवत अर्णवम रे चली गले सेतिपाई धर्म स्वनिष्ठितम पुंसाम विश्व सेन द्वितीय अध्याय रे भागवत कथा भागवत भक्तर महात्म्य एटा रे उत्तर दे दे छन प्राय सहज साधना कौन भगवत भक्ति शास्त्र सार कौन भागवत एवं भगवत भक्ति भगवत कथा शास्त्र सार धर्मस्य उपवर्गस्य नार्थो उपकल्पते द्वितीय अध्याय 8-9-10 द्वितीय अध्याय 8-9-10 रे आंसर दे छन तापर कृष्णंकर जन्म दशम स्कंद रे अन्यान्य पूरा स्कंद रे अलग अलग अवतार कथा तृतीय स्कंद रे बराह अवतार सप्तम स्कंद रे नरसिंह अवतार आदि सब स्कंद रे फिर अंश अवतार आदि ये सब वर्णन अवतार लीला तापर धर्म का शरणंगत भागवत ही धर्म शरण रे जाय छनते ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारूपमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमापुतः।